सीकर में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत के मामले में चल रहा धरना शुक्रवार रात को प्रशासन और परिजनों में सहमति के बाद समाप्त हुआ। धरना समाप्त होने से पहले कुछ लोग पास में स्थित पानी की टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ गए। इस दौरान 45 मिनट तक वह सीढ़ियों पर ही रहे। उद्योगनगर थाना अधिकारी सुरेंद्र देगड़ा ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर लोगों को टंकी से उतारने का प्रयास किया। इस दौरान वहां पर मधुमक्खियां आ गई। ऐसे में उन्होंने बचाव करते हुए सभी को नीचे उतारा, लेकिन इस दौरान पुलिस और टंकी पर चढ़े लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जानकारी के अनुसार मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार दोपहर को धरना शुरू हुआ था, जो प्रशासन और परिजनों में सहमति के बाद शुक्रवार रात को समाप्त हुआ। प्रशासन व प्रतिनिधि मंडल के बीच एक समझौता हुआ कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो 15 दिन में जांच करेगी। इस कमेटी में एक प्रशासनिक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी होगा। वहीं अस्पताल की व्यवस्था जांचने के लिए वीडियोग्राफी भी करवाई गई। वहीं दोपहर को सीकर SDM जय कौशिक को धरने पर बैठे लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसके बाद अचानक जैसे ही धरने पर बैठे लोग टंकी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो एक बार माहौल गर्म हुआ और मौके पर SP ऑफिस व शहर कोतवाली सदर थाने का जाप्ता भी बुलाया गया। मामले की सूचना पर शाम को सांसद अमराराम भी धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात की, जिसके बाद सहमति बनी और धरना समाप्त हुआ। अंत में एक सुखद स्थिति ये बनी है, आप लोगों में से ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय से आप मिले। आपकी जो मांगे थी कि एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन उस कमेटी के अंदर आपकी मांग के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी का एक और पुलिस अधिकारी एक उसमें शामिल करने की आपकी मांग थी, जिला कलेक्टर ने मान ली है। कमेटी उसकी पूरी गहराई से सभी दस्तावेजों के साथ में जांच करेगी और 15 दिवस में वो एक रिपोर्ट आपको देगी। आपके लोगों को बीच बीच में अगर उसमें रिपोर्ट में कोई चीज़ ऐसी लगती है तो आप पेश कर सकते हैं। सब हमारी एक बात ये भी है, वैसे भी आपके बयान दिए जाएंगे और कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई दस्तावेज हो या कोई बात हो, गवाह हो, आप उसको पेश कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। दूसरी, इस हॉस्पिटल में जिसमें इनका प्रसव करवाया गया था, इसकी पूरी वीडियोग्राफी आपके आदमी के प्रेजेंस में अभी करवाई जा रही है सभी रूम्स की, ठीक है, ताकि वो उसको में इसमें साथ में लिए जा सके। तीसरा, क्योंकि पैरेलली जांच के साथ साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो एक जांच का हिस्सा बनेगी, वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो क्योंकि रात को पोस्टमार्टम होता नहीं, सुबह बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, फिर आपको सपोर्ट कर दी जाएगी। तो आपकी जिस तरह की मांगे थी और जो हमारे सामर्थ्य में थी, हमने पूरी करने की कोशिश की है और आप लोगों का इसमें सहयोग मिला है। मैं सभी की तरफ से कहूँगा कि हम सबकी संवेदनाएँ आपके साथ है और निष्पक्ष एकदम जांच इसमें की जाएगी ताकि पीड़िता को और उसके परिवार को न्याय मिल सके। अब मैं आग्रह करूँगा हम आगे की कार्रवाई करें, बॉडी को शिफ्ट कराएं और पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, 3 सीनियर डॉक्टरों की के द्वारा होगा और उसकी संपूर्ण वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि हम बॉडी को शिफ्ट करें और ताकि आगे की हम कार्रवाई। अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उसके अंदर हमने जो मांगे रखी थी वो ये इसलिए रखी थी कि आज जो कृत्य हुआ है, जिस लापरवाही की वजह से बहन की जान गई है, आगे किसी गरीब परिवार को इस तरह की क्षति ना झेलनी पड़े और उसको इस तरह का व्यवहार ना झेलना पड़े। आज कमेटी गठित की, उसके अंदर हमने प्रशासनिक अधिकारी खुद ने कह के अमराराम जी के द्वारा कि एक प्रशासन का अधिकारी उसके अंदर एक हमें चाहिए, जो ताकि इस जो भी इसके अंदर जांच हो तो इसके अंदर जांच के अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो। और जो कमेटी है, इनको 15 दिन का कलेक्टर साहब से हमने समय लिया कि 15 दिन के अंदर अंदर हमें जवाब चाहिए कि इस हॉस्पिटल के अंदर अगर कमियां है, चलो आज हम मुंह से कुछ भी कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में क्या कमी है, उसकी जान किस वजह से गई, लेकिन जब तक वो जाँच नहीं होगी, इनका भी कहना ठीक है कि जाँच नहीं होगी जब तक चीज़ें साफ नहीं होगी, तो वीडियोग्राफी, लाइव वीडियोग्राफी अभी की अभी कलेक्टर साहब ने बात मान के और वीडियोग्राफी चालू है, वीडियोग्राफी हो रही है, जिसके अंदर साफ हो जाएगा कि इनके पास क्या तो सुविधा है और क्या इनके पास सुविधाएं नहीं है।
और इससे आगे आने वाले हॉस्पिटलों में भी जितने भी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं उनके लिए भी बात हुई है कि उनके अंदर भी अगर ये कमियां है तो उनकी परमिशन रद्द की जाए और जिन्होंने परमिशन दी है उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे ऐसा कोई लापरवाही से किसी की जान ना जाए। बिल्कुल, जो तारी तीन जो मांग ही बाको पर कौन सी को पर जैसे सहमति बनी बा और हमारी सारी मांगे जो है प्रशासन से हो गई उसके अंदर ये मांगे प्रमुखता से थी कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो, कमेटी गठित हो और 15 दिन के अंदर इसकी जो है वो पूरी की पूरी सब पब्लिक के सामने वो जांच आए और उसके अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी ऐड करवा दिया है और लाइव वीडियोग्राफी अभी जो होनी थी वो चालू है जिसके अंदर डॉक्टर और परिजन और जो और भी अधिकारी है वो सब मिलके लाइव वीडियोग्राफी चल रही है। तो हॉस्पिटल के अंदर जो भी सुविधा है या असुविधा है वो सारी उस वीडियोग्राफी के अंदर आ जाएगी ताकि उसके अंदर जांच के अंदर इनको मदद मिले। बाकी दो और मांग थी बाको पर, कुछ और बता दो दर्शकाना। मांग तो जो थी डॉक्टरों से या उनसे थी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस परिवार की कोई मदद नहीं करेंगे, तो हमारे पास दूसरा रास्ता केवल और केवल प्रशासन के थ्रू जाने का बचा, उसके सिवा ये लाचार जनता के पास कोई रास्ता नहीं है। तो प्रशासन के थ्रू हम रास्ते से गए हैं, कलेक्टर साहब से मिल के आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसे हॉस्पिटलों की कार्रवाई होगी और आगे ऐसा कोई लापरवाही से मृत्यु ना हो, इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्षता से जाँच करेंगे। अभी आश्वासन के साथ थे जिसको धरना जी को अभी समाप्त कर रहे हैं, व्हाट्सएप धरना है जो समाप्त बिल्कुल करना ही पड़ेगा क्योंकि डेड बॉडी भी 24 घंटे हो गए हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है ये हमें भी पता है। उस समय ही जब ये रेफ्रिजरेटर ला के यहाँ पे रख रखा था कोई फैसला नहीं हुआ और आज 24 घंटे के बाद में हमें भी पता है, ये हमारा नैतिक बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है कि डेड बॉडी जो है डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। हम भी नहीं चाहते, अगर हम प्रशासनिक जाँच की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर अगर पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो उसके अंदर फिर बॉडी अगर डिकम्पोज हो जाएगी तो उसके अंदर फिर तथ्य सही से नहीं आएंगे, तो इसलिए हमें पोस्टमार्टम भी कराना था। तो आज कलेक्टर साहब से जब इस बारे में वार्ता हुई तो उन्होंने सारी हमारी बातें मान ली, एमपी साहब अमरा राम जी के साथ में सारी जो यहाँ की टीम गई तो उन्होंने सारी की सारी बात मान ली कि 15 दिन के अंदर हम आपको रिपोर्ट देंगे, एक कमेटी गठित की जाएगी जो कमेटी फैसला करेगी कि इसके अंदर क्या कमी है क्या नहीं है। वीडियोग्राफी का हमारा था कि अभी लाइव वीडियोग्राफी हो कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, तो वीडियोग्राफी इस हॉस्पिटल की हो रही है और एक डिप्टी लेवल का अधिकारी इसके अंदर जाँच के अंदर ऐड करवाने का हमारा पॉइंट था, वो भी इन्होंने मान लिया, वो उसके अंदर ऐड करवा दिया। धरना समाप्त करें, बिल्कुल हम इसके ऊपर धरना समाप्त करते हैं और आगे से किसी भी परिवार के साथ ऐसी क्षति नहीं हो, इसलिए ये प्रशासन को भी जगाने का और समाज को भी जगाने के लिए यह धरना था।